बोलो बजरंग बली महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज, मैं आपको भोग प्रदान करती हूँ, मेरे भोग को स्वीकार करें। और हे संकट मोचन, मेरे संकटों का नाश करें। इस संसार में एक ही चिकित्सा सर्वोपरि है, और वो चिकित्सा है यज्ञ चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा। ये जो दो औषधि है, ये संसार के सभी प्राणियों को चाहिए ही चाहिए। और ये अगर औषधि नहीं मिलती है, या दीपदान, ये अगर औषधियाँ नहीं मिलती हैं, तो हमारा जीवन अधूरा का अधूरा है। हम कष्टों में ही जिएंगे शुरू से लेकर अंत तक। इसलिए हमें सनातन पत्ती के जरिए बचपन से ही दीप जलाना, ठीक है, यज्ञ करना और जप करना, भगवान का नाम लेना, ये हमें सिखाया जाता है और हम सीखते नहीं है। एक इस दुनिया में 90% लोग नास्तिक हैं, ज्यादा बेशकों कम नहीं है। आस्तिक कौन है? आस्तिक वो है जिसको कहा जाए कि तू भगवान का नाम ले, और वो वहीं आंख बंद करके 24 घंटे लगा रहे भगवान का नाम लेने में। वो इतना मशगूल हो जाए कि उसको पता चले उसका बेटा मर गया, तो वो ये सोचे कि भगवान ने बेटे को इसलिए मारा है ताकि मेरा जप बढ़ जाए, मेरा नाम लेना और बढ़ जाए, मेरी बाधाएं खत्म हो जाए, मेरी सोचने की शक्ति भी खत्म हो जाए, और इस विषय में भी मुझे कुछ ना सोचना पड़े कि बेटे का मुझे कुछ करना है। बोलो ओम, हम पवन नंदनाए, ओम फट स्वाहा। पत्नी गुजर गई नामदेव जी महाराज की, किसी ने कहा भाई ये तो जाती रही, अब तो आपको छोड़ के महाराज आप अकेले रह गए। बोला मैं अकेला कहाँ रह गया, मेरे साथ भगवान है, और उसने जान पूछ के मुझे अकेला किया है ताकि मैं उसका नाम ले। नामदेव जी महाराज को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा मर गया और तुम रो भी नहीं रहे, एक भी आंसू नहीं गिरा रहे। बोला इसमें भगवान की प्रसन्नता है तो मैं क्यों अप्रसन्न हूँ, नहीं समझे? भगवान की प्रसन्नता तो इसमें है कि मेरा बेटा मरे और मुझे भगवान का नाम लेने का समय मिले। कितनी बड़ी बात, कौन सोचता है ऐसा, बताइए। भगवान का भक्ति ऐसे सोच सकता है जिसको भगवान से प्रेम हो, और ऐसे व्यक्ति केवल 1% है पूरे वर्ल्ड में जिनको भगवान से प्रेम है, बाकी 99% नास्तिक है। अगर उनको भगवान का नाम लेने को कह दिया जाए तो आधे घंटे बाद वो सोए मिलेंगे। आगे ना पूछो कि गर्दन नीचे गिर जाएगी आलस और तंद्रा में, पूछो कि पीछे चली जाएगी बेहोशी में। ये आस्तिकों की संख्या है। हाँ ये है, ये भी ठीक जगह इस्तेमाल हो तो ठीक है। ये कुछ नहीं करने देते जो आपको पागल कर दिए, सारे काके पागल कर दिए, कुछ नहीं करने देते है। सब जगह फोन ने ले ली, सब समय फोन ने ले लिया, भगवान का नाम ले लिया। उतारो भाई गोला, जलेगा नहीं, तुम काम कैसे, फल कैसे मिलेगा? इनको मोटापे की दर्द तो नहीं है? अच्छा पक्का? माँ कसम, माँ कसम, माँ कसम, माँ कसम, अच्छा झूठा था इराइड हो। दवाई तो पता नहीं सब कहें कहें की खा रहे हो। गुरु जी, पितृ अगर मलिन अवस्था में हो तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको नहला देना चाहिए, साफ हो जाएंगे। आगे ना समझ में, आजकल भतेरे तेल चल रहे हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है, अब तू कहेगी पितरों को खुजली हो जाए तो गुरु जी क्या करना चाहिए इतनी गर्मी में है?
गुरुजी इतनी गर्मी में तो पितरों के पसीना भी आएगा, बदबू भी आएगी, डर्मिकूल का पाउडर भी चाहिए पितरों को, एक एसी भी चाहिए पितरों को, क्यों जी? है पितरों को खिलाओ खीर, खुद खाओ पिज्जा, ऐसा कैसे चलेगा? आ गए समझ में? बल्कि तू चार पिज्जे मंगा ले बड़े वाले, ठीक है, मैं पितरों के नाम के खा लूँ और औरों को खिला दूँ। बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं मेरे पास, तेरे पितर अपने आप खुश हो जाएंगे। अरे भाई खुशबू आ रही है कि बदबू? खुशबू आ रही है तो हनुमान जी को और क्या चाहिए? खुशबू चाहिए तो हनुमान जी फिर कुछ लाभ भी देंगे। तो पूछ ही लेते हैं बहन जी, कुछ घटना चालू हुआ क्या या बढ़ गया? गला घुट रहा और बता, दर्द बढ़ गया घटा है? तो भाई दर्द घटना चालू हो गया, अभी तो बैठे रहना, खड़ी हो जा, चल अभी दर्द हो रहा है कहीं? फिर तो बैठने पे दर्द होता है और अब हो नहीं रहा है, इसका मतलब झूठा दर्द है। आ गए ना समझ में? इसका मतलब कृपा हनुमान जी की चाहिए और जा डॉक्टर के पास रही है, ठीक है? कृपा चाहिए हनुमान जी की, जा रही है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास तो एक ही कृपा है कि आप अपने घर का सारा जमा पूंजी डॉक्टर को दे आओ। वो यही चाहता है बस, उसको इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं आपका। बोलो बजरंगबली महाराज की। ये 2-4 करोड़ रुपया लगा के उसने डिग्री ही नहीं ली थी, ठीक है, ताकि लोगों की जेब जो है मैं हल्की कर दूं, बिना ये जाने कि उनको रोग क्या है और उसका निदान क्या है और उनको असलियत में हुआ क्या है। यज्ञ की महिमा देख लो, जिस आदमी को यज्ञ से ठीक होना है उसको दुनिया में कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है, मेरा वचन है। वो 1,00,000 वर्षों तक लगा रहेगा तो भी उसकी शोध पूरी नहीं हो सकती, ठीक है ना? एलोपैथी कभी नहीं जान पाएगी कि भारत के 90% लोग दर्द में क्यों तड़प रहे हैं। क्या इनका गोला और सामग्री जल चुकी है पूरी? रह रही है तो बताओ आपको कितना भार रह रहा है अभी? किसी को चीजें बहुत ज्यादा हो सकती है, उसका अभी तत्व कटा है, बाद में उसको महसूस हो सकता है। अगर घर में चीजें ज्यादा है, अगर एक ही है तो आप देख रहे हो मैं पिछले 20 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ, आदमी आ रहा है और ठीक होके जा। किस किसने ऐसा देखा है? कौन कौन ऐसे दर्शक है? दोनों हाथ खड़े करके बताएंगे तो सारे ही दर्शक है, कौन सा दर्शक नहीं है? जैसे बना के रहता पैर हाथ में, पीठ में भी तेल लगा देते दर्द होता है। मेरी बेटी है 2 साल से वो खाना नहीं खा। हर जा तू चुप रह, मेरे को आदमी को नमन करने लगा। तेल लगाते हैं गरम करके नहीं कम मो, तुम ऐसी पत्नी की सेवा नहीं कर सकते। किसी को अगर सीखनी है तो इनसे सीखो, खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, नौकरी करते हैं, वापिस घर आते हैं, पत्नी की कमर में भी तेल लगाते हैं, हाथ पैर भी दबाते हैं, सर भी दबाते हैं और रोटी भी बनाते हैं दोनों टाइम की। इनको नमन करो, चलो हाथ जोड़ के सारे आदमी। और ये कह के कि हे देव हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। कोई कोई ऐसा मुकद्दर का धनी मिलता है? ताऊ तू क्यों हंस रहा है? मतलब ये तेरे जैसा है बिल्कुल? इससे ही ये ज्ञात होता है कि हमें भी पत्नी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे दुख में हमें सबसे ज्यादा हमारी सेवा कौन करता है? हाँ जी पत्नी करती है। वेरी गुड। नहीं पत्नी ही समझ के करते हो, कभी हथनी समझ के करते हो? ये मोटी सी है ना तुम। अच्छा धर्म पत्नी समझ, फिर ठीक। हाँ ये बात है।
कुछ होगा क्यों? भगवान का नाम लीजिए, समय भगवान के हाथ में है ना, उसके हाथ में है समय। आगे ना मुचुकुंद को दूसरे लोक में ले गए, अब मुचुकुंद वहां से यहाँ आया तो पता चला हजारों पीढ़ियां बीत चुकी है। समय तो ईश्वर के हाथ में है, उसको पता है समय की महिमा है कि नहीं। उसी ने एक मच्छर के लिए छोटे से 4 दिन का समय, 6 दिन के समय को इतना बड़ा कर दिया कि उसके 200 साल पूरे हो जाते हैं उसमें। नहीं, वो सारी खुशियां हासिल कर लेता है जो उसको चाहिए, वो 15-20 आदमियों का खून भी पी चलता है। है कि नहीं? सही बात। और कोई उदाहरण ऐसा इसके जैसे? हाथ खड़ा करो, मेरे को पूछूंगा मैं। हाँ, क्या होता है तुम्हें? वो सब ठीक हो जाएगा, तू बता। डॉक्टर ने पूरा ऑपरेशन बताया आपको और कुछ नहीं बताया? और भाई आप डॉक्टर साहब बैठे रहे, आपका हवन होगा। और वो अभी है कि नहीं है? कहाँ? तो काफी सारे ठीक हो गए फिर, इसका मतलब तो फिर ये भी ठीक हो जाएगा। अभी है स्टेप, बैठ जा। इसका है अभी? इनको क्या होता है?